हमारे लिए सबसे बड़ा आवश्यक है कि प्रकृति का संरक्षण करें, पंचभूतों का संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें और स्वच्छ और निर्मल बना के हम सब एक दूसरे का जीवन का संरक्षण। इतना फंड आता है सरकार की तरफ से, फिर भी नदियां साफ नहीं हो रही हैं। सरकार के पास जो फंड आता है हमारे और आपके टैक्स से आता है, है ना, और उन टैक्सों का उपभोग जो है, यमुना जी किनारे रहता हूँ, गंद में रहता हूँ, रोज़ सफाई करता हूँ, MLA MP काउंसलर जितने भी हैं ये सब दो दो पौधों का संकल्प ले लें तो लाखों करोड़ों तो वैसे ले। नमस्कार, मेरा नाम है नूरजहां और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पे इन लोगों का धरना चल रहा है, जैसे कि जो गंगा नदी और जितनी भी नदियाँ हैं प्रदूषण और उसकी वजह से जो खराब हो रही हैं, गंदी हो रही हैं, उनको लेके ये लोग धरना दे रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे जो गंदी हो रही है नदियाँ, आप क्यों उसको लेके? इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, केवल सरकार को दोषी हम नहीं ठहरा सकते। यदि हम जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। नदियाँ स्वच्छ रहेंगी तो हमारा जीवन स्वच्छ होगा, यदि हम गंदा जल पिएंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा आवश्यक है कि प्रकृति का संरक्षण करें, पंचभूतों का संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें और स्वच्छ और निर्मल बना के हम सब एक दूसरे का जीवन का संरक्षण। इतना फंड आता है सरकार की तरफ से, फिर भी नदियाँ साफ नहीं हो रही हैं। सरकार के पास जो फंड आता है हमारे और आपके टैक्स से आता है ना, और उन टैक्सों का उपभोग जो है किन मदों में खर्च होता है उस पर हमें नहीं जाना है। मूल विषय हमारे लिए ये है कि हम अपने घर की गंदगी सड़कों पे ना फैलाएं, अपने घर की गंदगी नाली के माध्यम से नदियों में ना बहाएं, क्योंकि वो पुनः जो है वो गंदगी विभिन्न माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। लेकिन नदियों को साफ करने के लिए तो इतना समय लगेगा, लोग चाहिए होंगे, वो कहाँ से लाएंगे? अपने पास इतनी जनसंख्या है लमसम, चीन से भी ज़्यादा हम निकल चुके हैं आगे, बस हम एक घंटा और एक दिन के लिए निकाल दें हम सभी भारतवासी तो नदियाँ 6 घंटे में स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है लोग तो इतनी गंदगी करते हैं, मतलब उधर ही जाके सब कुछ करते हैं, नदी पे जाके, तो लग रहा है आपको लोग बात मानेंगे? मतलब एक के बोलने से क्या ही होगा? दो से पहले प्रेम से बात करेंगे, फिर भय दिखाएंगे, फिर डंडा से सुधारेंगे तो अवश्य। लेकिन मोदी जी तो गंगा को ऐसे देवी मानते हैं, पूरा माना जाता है। देखो, देवी इसलिए आपने भारतीय सभ्यता संस्कृति माना गया, नारी को भी देवी माना गया, जो जीवनदायी व्यवस्था है उसको देवी माना गया है ना। हम औरत और महिला नहीं कह सकते किसी को, देवी ही कहते हैं, जहां हमारा जीवन का लगाव जुड़ा होता है। नदियों का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जब जल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं बच सकता है हमारे लिए, इसलिए नदियों को हम लोग देवी के स्वरूप में मानते हैं। एक सरकार लेकिन फिर भी लोग उसी को ही गंदा करते हैं देवी मानने के बावजूद। माँ के आँचल को लोग ज़्यादा गंदा करते हैं, जब बचपन में जब जन्म लेते हैं तो माँ का ही आँचल सबसे ज़्यादा गंदा होता है, फिर भी माँ उफ तक नहीं करती और उस बच्चे को फिर से जो है बड़ा करती है और अपने आँचल को भी साफ करती है। जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे, हम इनसे बातचीत करते हैं, कुछ लोग हैं जो अपना धरना दे रहे हैं इसी को लेके, जो ये गंगा नदी है जो इनको देवी माना जाता है उसको प्रदूषित करा जा रहा है, तो आइए इनसे बात करते हैं। गंगा नदियों को जो ऐसे प्रदूषित करा जा रहा है तो क्या कहेंगे इस पर? गंगा नदी क्या, पूरे भारत में जितनी भी नदियाँ सारी खराब? गंगा नदी नहीं, गंगा तो हम हृदय से माता मानते हैं और सारे सभी देश के वासी के जितने भी हैं सभी माता मानते हैं उसको, उसको पूजते हैं, जल के द्वारा आचमन करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आज इसकी रिसर्च की जाए तो पीने लायक नहीं रहा, वो हम लोगों की कमी है, किसी और का दोष नहीं है, हम लोगों की कमी है सब। तो इसमें तो जनता को ऐसे जागरूक होना पड़ेगा ना आगे के लिए, जन जागरण होना पड़ेगा। जैसे वोट के लिए जन जागरण होते हैं नेता लोग, 2 महीने 1 महीने घर घर जाके करते हैं, अगर यही पेड़ पौधे पर्यावरण प्रकृति के लिए हो जाए तो मैं समझता हूँ वातावरण बहुत शुद्ध हो जाए। आप नदी को साफ करने की बात कर रहे हैं, मतलब नदी को साफ करने तो बहुत सारे लोग हैं और आप तो मतलब बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी अकेले चले थे और जब युद्ध हुआ था तो पांच ही पांडव थे ना जब युद्ध हुआ था, और जब युद्ध हुआ 5 पांडव थे तो जब भी जीत हुई और महात्मा गांधी अकेले एक डांडी को लेके चले, तो प्रयास है, हम कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम तो हर स्कूल में जाते हैं, हर जहां संस्था खाली दिखाई देती है, जहां ज़मीन खाली है पेड़ पौधे ले वहां लगवाते हैं, हमारा तो 10 साल से प्रयास चल रहा है, लेकिन सरकार में आवाज़ उठाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये तो आप भी जानते हैं। इसके लिए तो उसके लिए हमने ये प्लेटफार्म, 10 दिन से हमारी पदयात्रा है, पूरी दिल्ली में चल रही है, 2 दिन की बाकी रह गई है,
12 तारीख को हमने राष्ट्रपति ज्ञापन देके अपने इसको विराम दे देंगे प्रथम चरण की यात्रा को। प्रकृति मिशन यात्रा है हमारी और हम सबसे जुड़ रहे हैं। हम पांच लग रहा है आपको जनता आपसे जुड़ेगी? मुझे पूरा विश्वास है, आज नहीं जुड़ेगी कल जुड़ेगी, प्रयास तो कर ही रहा हूँ ना, आज नहीं जुड़ी कल जुड़ेगी और वो जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं अपने लिए नहीं जुड़ रहा, मेरी संतान आप सब बच्चे हैं जितने भी हैं, ये सांस लेने में अभी दो दिन बाद देख लेना, तीन दिन दिल्ली की क्या हालत होने वाली है, फिर इसका छिड़काव होगा, फिर सांसों पे वो लगना चालू हो जाएगा। तो जब पहले से तैयार रहें तो अच्छा रहेगा। हम पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, पानी को सुरक्षित रखें और हर स्कूल में हर मठ में 1000 महामंडलेश्वर हैं, लाखों मंडलेश्वर हैं और इतने मंदिर हैं लाखों के करीब, अगर ये सभी मिलकर एक साथ में एक आवाज़ उठा दें ना तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं चाहता, एसी में रहते हैं ना, उन्हें फिल्टर लगा रखे हैं, उन्होंने ऑक्सीजन फिल्टर लगा रखे हैं, तो उन्हें ज़रूरत नहीं खा पी के लाल पीले होए। मैं शमशान वासी में रोज़ ये करता हूँ, यमुना जी किनारे रहता हूँ, गंद में रहता हूँ, रोज़ सफाई करता हूँ। इतना फंड आता है लेकिन सरकार भी तो साफ सफाई करवा सकती है ना, पेट बड़े हैं ना, अंदर चला जा। अब वो सरकार ने एक चीज़ और चला दी, पेटीएम यानी अंदर जाने दो, बाकी कोई झंझट कर आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप कितना कर रहे हैं वो भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े आदमियों के हाथ में सत्ता है और उन्हीं के नुमंदे काम कर रहे हैं, उन्हीं की फैक्ट्रियाँ लगी हैं, उन्हीं के स्कूल हैं, उन्हीं के हॉस्पिटल हैं, उन्हीं के पेट्रोल पंप हैं, आप किससे लड़ोगे? हम तो जन से लड़ रहे हैं, जन के पास में जा रहे हैं, स्कूलों के छात्रों से बात कर रहे हैं और हॉस्पिटलों में बात कर रहे हैं, बस हम तो यही कर रहे हैं। हम कोई सरकार से लड़ाई नहीं है हमारी, ना हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम करेंगे किसे? ना हम हमारे पास फंड होगा तभी तो हम कुछ लड़ पाएंगे, फंड है ही नहीं हमारे पास। तो सरकार से फंड भी चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी फंड की ज़रूरत नहीं। भाई पेड़ पौधे मेरे, मैं तो ये चाहूँगा कि हर सरकार का जो नुमाइंदा जो MLA MP काउंसलर जितने भी हैं ये सब दो दो पौधों का संकल्प ले लें तो लाखों करोड़ों तो वैसे ले। दिल्ली में 3 करोड़ की जनसंख्या होने वाली है, अगर एक एक पौधा घर से लग जाए 3 करोड़, तो जगह की कमी नहीं है, जगह की बिल्कुल भी कमी नहीं। ये देते हैं कि जगह कम है, जगह बिल्कुल कमी नहीं, जगह बहुत है, हर पार्क में जगह बहुत है, हर जगह जगह है, और जहाँ जहाँ पेड़ सूख गए वहाँ पर जो आप लगाना चालू कर दीजिए। बस यही, आपका धन्यवाद, आप आए बहुत अच्छा लगा और पर्यावरण के लिए हम कार्य कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए, बस यही मेरी विनती। मैं हरिदास वहा प्रीतम धाम से। जैसा कि आपने देखा ये लोग जो पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं, नदी को बचाना चाह रहे हैं कि जो नदी प्रदूषित हो रही है सभी नदियों को बचाना चाह रहे हैं और सरकार से भी चाह रहे हैं कि वो भी इनकी मदद करें और आगे इनकी बात सुने। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।